नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से आज एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्रोजेक्ट लेके आई हूँ, जिसकी जो ब्लॉक है वो है फ्लाइंग गीस। ये जो ब्लॉक है छोटा वाला, इसको फ्लाइंग गीस कहते हैं, और हमने उसको ऐसे असेंबल किया है कि इसका अब नाम है डचमैन्स पज़ल। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे, और हमने हॉट पैड्स बनाए हैं, यानी आपके जो गरम परोसने वाले खाने हैं, दाल है, सब्जी है, आपकी जो मेन डिश है वो आप इस पे रख सकते हैं सर्विंग डाइनिंग टेबल पे। इसके लिए हमने ये तीन फैब्रिक सिलेक्ट किए हैं, जो पैलेट बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है इनका एज यू सी। तो सबसे पहले हम रेड कलर को लेते हैं, हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे दोनों एंड्स से, जो सेल्वेज एंड्स हैं इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूँ कि इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए। इसको हम जो हमारा साइज है वो है 5 1/4 inch। ये है 1 2 3 4 5 1/4। सो 5 1/4। अब ये हमारे दोनों स्ट्रिप्स तैयार हैं, और हम इनके स्क्वायर्स बनाएंगे। तो स्क्वायर्स के लिए पहले तो हम सेल्वेज को ट्रिम कर लेंगे, अलग हो गए। अब हम इनके स्क्वायर्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 5.25, 5 1/4 यानी 5.25। ये आपके बहुत सारे ये वाले स्क्वायर्स तैयार कर लीजिए। तो अब हमारा जो लास्ट कपड़ा है, अब हम उसको काटेंगे। इसका साइज थोड़ा अलग है, आप देखिए, इस ये जो है ट्रायंगल्स ये एक साइज के हैं, और ये जो हमने साइड्स में लगाया है वो थोड़ा अलग है। तो इसका साइज थोड़ा सा अलग हम ट्रिम करेंगे। पहले हम इसको सीधा कर लें फैब्रिक को, ये हमारा जो साइज है वो है 2 inches by 7/8, सो 3/4 inch। तो ये हमारा लास्ट स्ट्रिप काट लिया हमने, जो अलग साइज का है। स्क्वायर है, हमने जो स्ट्रिप की चौड़ाई है, पट्टे की चौड़ाई है, वो 3/4 inch है, तो हम इसको भी 3/4 inch से काटेंगे। 1 2 and 3। अब ये जो छोटे वाले स्क्वायर्स हैं, हम इनको यहाँ पे ऐसे पोजीशन करके एक कॉर्नर टू कॉर्नर, पॉइंट टू पॉइंट में एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आप दोनों कलर्स एक एक ले लीजिए। तो इसको देखिए, थोड़ा सा क्रीज है तो मैं इसको फ्लैट करूँगी। आइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस आप हर स्टेज पे कर लीजिए, ज़रा भी वो अनइवन ना लगे। अब आप देखिए, हम ये सीधी तरफ कर रहे हैं, स्ट्रेट साइड पे। ये लाल के कोने से मैंने ये वाला स्क्वायर फिक्स किया है, देखिए कोने से कोने पे मिलाया है। और हम एक और स्क्वायर लेके दूसरी तरफ इसको पिन अप कर देंगे। मुझे ये जो फ्लाइंग गीस है एक बहुत ही मज़ेदार पज़ल लगती है, कि ये तीन कलर्स में भी कितने सारे तरीके से आप इसको बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जैसे वो मैथमेटिक्स में हमने किया था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये बिल्कुल बहुत सारे हमको वैरायटी ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दे देगा। इस वक्त मेरी मैथ्स टीचर कितनी खुश हो रही होगी सुन के, जहाँ भी वो होगी, क्योंकि मैं बहुत बहुत परेशान होती थी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ। ये जो लाइन खींची है इस पर स्टिच नहीं करेंगे, इसके 1/4 inch लेफ्ट और 1/4 inch राइट, दोनों तरफ हम इसको स्टिच करेंगे। हमने रेड के बाद एक ब्लैक लिया है। अब
अब मैं दूसरी तरफ क्वार्टर इंच का सीम अलाउंस लूंगी। ये हमारी चेन तैयार, हमारी लेंथ तैयार। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम इसको एक बार और ट्रिम कर लेंगे, काट लेंगे। ये आधे हो गए। अब जब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से ये ट्रायंगल्स पीछे करेंगे, जो दो छोटे ट्रायंगल्स बन गए हैं इसको पीछे करेंगे। ये जब आप आयन करेंगे तो पहले इसको रोल आउट कर लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे ये खोल के पसंद है, वो अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है और कितने स्टेजेस पे आप इसको फिनिश करना चाहते हैं। हमने खोल दिए, अभी मैं फिर आपको ये दो दिखा देती हूँ। थोड़े से और छोटे वाले स्क्वायर्स जो हैं उनमें फिर से डायगोनल लाइन बना सकते हैं। अब आप देखिए कि कैसे मेरा एक स्क्वायर के साथ, देखिए ये हमारे एक ब्लैक और एक रेड, ये एक स्क्वायर था जो हमने काटा था, और अब हमारे कितनी फ्लाइंग गीज बन जाएंगी इससे। तो फिर से ये एक स्क्वायर लिया मैंने लाइन ऊपर ऑन द राइट साइड, यानी अगर ये प्रिंट होता और एक राइट और रॉन्ग साइड होता तो फिर राइट साइड टुगेदर होता, रॉन्ग साइड बाहर होता। उस तरह से हम इसको पिन अप कर देंगे। लाइन के दोनों तरफ क्वार्टर क्वार्टर इंच पे आप सिलाई करेंगे। ये आपकी सेंटर लाइन है, आप उसको ध्यान रखिएगा। अब हमने ये एक साइड कर लिया है, एक तरह से चेन पीस कर दिया है। दूसरी साइड सेम थिंग, क्वार्टर इंच सीम अलाउंस। याद रखिए कि ये एक बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी आर्टिस्टिक थिंग, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड के आर्टिस्टिक पीपल, क्रिएटिव पीपल आर वेरी हैप्पी पीपल, दे आर ऑलवेज ऑन अ क्रिएटिव हाई। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनकी होती है, वो अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती वो सीखने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ वी विल बी कटिंग ऑन द लाइन। अब आप देखिए, हमने वो जो दो बड़े स्क्वायर्स काटे थे उसमें से ये हमारे एक, दो, तीन और चार फ्लाइंग गीज तैयार हो। और आप देखिए मेरे इस हॉट पैड में मुझे कितने चाहिए, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, और मेरे वो तैयार हो चुके हैं। एज ऑलवेज इसको हम फिर से प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि जहाँ हमने जोड़ा है वहाँ पे ये थोड़ा सा कपड़ा बाहर आया है। देखिए ये जो फैब्रिक है हमारा जो बाहर आ रहा है, देखिए बिल्कुल एक डॉग या कैट, बिल्ली या कुत्ते के कानों की तरह है। तो इसको बुलाते भी डॉग ईयर्स हैं। आप कोई भी पैटर्न में देखेंगे तो उस पर लिखा होगा ट्रिम द डॉग ईयर्स। तो हम ये डॉग ईयर्स अब ट्रिम कर देते हैं। मैं हमेशा, क्योंकि दो कलर्स से काम कर रहे हैं तो मैं अल्टरनेट वो ट्रिम करूँगी, ब्लैक एंड रेड। तो फिर हमारा प्रोजेक्ट असेंबल होने में बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब आप देखिए, हम इसको, हमने ट्रिम कर लिया है चारों को, और अब हम इनको असेंबल करेंगे। तो इसमें हमने जो किया है, जो हमने सिलेक्ट किया है, पिन व्हील, फिरकी। तो आप देखेंगे कि जब आपने इनको प्रेस किया, ये आपका एक्स्ट्रा निकला हुआ है भाग,
तो ये आपकी सीम अलाउंस है। अब जब आप इसको जोड़ोगे इसके साथ तो वो अपने आप स्टिच हो जाएगा, इसके लिए इसको काटिएगा नहीं। याद रखिएगा ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर है और ये इसके ऊपर भी ट्रायंगल है, तो जब आप इसको फिक्स करेंगे तो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा, ऊपर वाला एक ऐसे होगा और एक ऑपोजिट साइड में होगा। और अब हम इनको स्टिच कर देंगे। ये हमारी चेन तैयार, इसको अलग कर लीजिए। आप इसको प्रेस करेंगे, हम तो अब हमने ये जो चार हैं इनको बहुत अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है और अब हम इन चारों को असेंबल करेंगे। ये देखिए हमारी फिरकी बनती जा रही है। सेम वे अब इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, दो लाइन इधर से, दो लाइन इधर से। देखिए मेरे रेडी हैं मेरी फिरकीस। अब आप देखिए हम ये जो विंड मिल है पिन व्हील फिरकी जो है इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ये जब इतना लेंथ हो जाए और फिर हम जब मिलाएंगे तो सेंटर से शुरू करिए। हमेशा देखिए जहाँ पे ये हमारी प्रेस खुली हुई है दोनों तरफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से शुरू करिएगा और आप इसको पहला पिन इसके तरफ फिर दूसरा इस साइड पे, वन लेफ्ट वन राइट। एंड वी आर रेडी टू रोल। पिन निकालना मत भूलिए, मशीन की सुई टूट सकती है। जेंटल पुल भी दूंगी पीछे से, देखिए जेंटल सा पुल एंड इट इज़ रेडी।